हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com एंड यू आर वाचिंग हाउ टू मेक वेबसाइट प्रोफेशनली। सो लास्ट वीडियोस में हम लोग कैटेगरी डिजाइन कर चुके हैं एंड प्रोडक्ट की हेडिंग अप्लाई कर चुके हैं हमारे वेब पेज पर, ये भी ओके। एंड एक अट्रैक्टिव सा जूम इफेक्ट हमने डाला था कैटेगरीज पर, अब हमें बनाना है प्रोडक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रोडक्ट की विड्थ एंड हाइट देखेंगे कितनी आ रही है। इट्स 240 by 320। ओके सो चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट में हेडिंग ब्लॉक के बाद में हम एक ड्यू बना रहे हैं। ड्यू का क्लास हम ले रहे हैं प्रोड कंटेनर, कंटेनर और प्रोडक्ट कंटेनर। ओके देन प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हम लोग जैसे एक ड्यू ले रहे हैं, ड्यू का क्लास है प्रोड बॉक्स। ओके प्रोड बॉक्स के अंदर क्या है, प्रोड बॉक्स ये रहा। एंड प्रोड बॉक्स के अंदर मतलब प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर एक इमेज है, इमेज के ओवरले में एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक स्ट्रिप है एंड उस पर बाकी फीचर्स है। सो सबसे पहले हमें चाहिए एक इमेज लाइक दैट। ओके इमेज का नाम है प्रोड वन, देन अल्ट टेक्स्ट प्रोडक्ट वन। ओके उसके बाद हमें चाहिए एक ड्यू, ट्रांसपेरेंट ड्यू। सो ड्यू क्लास है प्रोड ट्रांस और प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट ड्यू है। ठीक है नाउ इतना पहले हम बनाते हैं। ओके तो प्रोडक्ट बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं, ये क्लास है selected and copy style.css comment then dot prod box, prod box की width है 240 pixel, height है 320 pixel, then इसका overflow हमें hidden करना है। आप जानते हैं ये last video में मैंने आपको बताया था। okay and इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देन प्रोड बॉक्स में डायरेक्टली जो इमेज टेक होगा, ठीक है डायरेक्टली इमेज, उनकी विड्थ जो होगी, सॉरी मैक्स विड्थ जो होगी वो होगी 100%। ठीक है सो प्रोडक्ट बॉक्स में जो डायरेक्ट इमेज होगी, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बॉक्स जो है इसमें डायरेक्ट इमेज जो हम इंसर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट की, उसकी जो विड्थ होगी वो 100% होगी, जितनी प्रोड बॉक्स की विड्थ होगी उस पर ये कवर करेगी। ओके नाउ नेक्स्ट है प्रोड ट्रांस। सो प्रोड ट्रांस की जो पोजीशन है वो होगी एब्सोल्यूट। तो इसका मतलब है कि जो प्रोड बॉक्स है इसकी पोजीशन होगी रिलेटिव। आई होप आपको पोजीशंस के सारे कंसेप्ट क्लियर है, अगर नहीं तो आप वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके उसके बाद प्रोड बॉक्स का बैकग्राउंड जो है वो है आरजीबी है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा, ब्लैक 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 एंड 0.6। ठीक है एंड इसकी विड्थ है 100%, हाइट है 100%, देन टॉप है 0, लेफ्ट है 0, राइट है 0 एंड बॉटम है 0। ओके तो इसके चारों कॉर्नर से कवर करना है हमें, इसलिए हमने इसकी विड्थ एंड हाइट 100% दी है एंड इसको अलाइन किया है टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट से। ठीक चलिए आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आया है हमारे पास। ओके सो हमारे पास ये आउटपुट है एंड लगभग इसी तरह का हमें चाहिए भी था। ओके सो प्रोड बॉक्स, अब दिस प्रोड ट्रांस जो है इसे हम कर देंगे डिस्प्ले नन, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके सो ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब नाउ प्रोड बॉक्स में मार्जिन दे देता हूँ, टेम्पररी मार्जिन, मार्जिन है 0.0 30 पिक्सल फ्रॉम बॉटम।
सेवन रिफ्रेश। ओके सो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। नाउ जैसे ही मैं फ्रॉड बॉक्स पर होवर करूंगा तो इसमें जो फ्रॉड ट्रांस है ये डिस्प्ले होगा। ओके सो डिस्प्ले नन की बजाय हम यहाँ पर दे देते हैं ओपेसिटी जीरो, ठीक है। देन इसके बाद इसकी ओपेसिटी वन, ओके होवर कर दें और ये आ गया, ठीक है। नाउ इसमें हम अप्लाई कर देंगे ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन 0.5 इज ऑन ऑल थिंग विथ इज इफेक्ट। देन इसे हम कॉपी करेंगे एंड फ्रॉड ट्रांस, सो फ्रॉड ट्रांस में इसे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। नाउ होवर करते हैं, सो अब ये रेड इफेक्ट के साथ आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर, सो अंदर क्या है, अंदर है दो बटन्स। सो सोर्स कोड में चलते हैं एंड यहाँ पर मैं ड्यू ले रहा हूँ, ड्यू क्लास प्रोड फीचर्स। ओके प्रोड फीचर्स के अंदर ड्यू क्लास सर्कुलर बटन्स, सर्कुलर बटन्स को क्लोज करा एंड इसके अंदर एक एंकर टैग ले लिया मैंने। एंकर टैग में एच आर ई एफ हैश देन आई एंड आई, यहाँ पे हमें हार्ट आइकॉन लगाना है इसलिए आई टैग फॉन्ट ऑसम के थ्रू लगा रहे हैं। सो आई क्लास एफ एफ हाइफन हार्ट, ओके। यहाँ पर हम आई का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर फॉन्ट ऑसम के थ्रू आइकॉन अप्लाई करना है। सो आई क्लास एफ एफ हार्ट, ओके हार्ट आइकॉन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देन दूसरा बटन है जूम का, सो आई क्लास एफ एफ आई थिंक क्या नाम है इसका, चलिए चेक करते हैं। सो हम चलेंगे फॉन्ट ऑसम चीट शीट पर, ओके तो चीट शीट ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे उस आइकॉन को, इट इज कुछ प्लस होना चाहिए आई थिंक समथिंग लाइक प्लस F3 कार्ड प्लस गूगल प्लस देन एफ ए प्लस, ओके ये रहा सर्च प्लस, ओके सो एफ ए सर्च प्लस। इसका यूज हम कर रहे हैं एज अ मैग्नीफायर, जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा और प्रोडक्ट उसमें बड़ा दिखाई देगा जैसा कि जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट पर होता है, ओके तो यहाँ पर आते हैं एंड रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बटन दिखाई देंगे अभी, चलिए इसे मेंटेन करते हैं अब सर्कुलर बटन्स स्टाइल डॉट सीएसएस। तो डॉट सर्कुलर बटन्स में जो ए है इनकी स्पेसिफिक विड्थ एंड हाइट हम दे देंगे अब, लाइक मेजर करते हैं कितनी जना है यहाँ से लाइक दिस, इट्स अराउंड 45 by 45, ओके सो इसकी विड्थ है 45 पिक्सल, हाइट है 45 पिक्सल एंड एंकर टैग जो होता है वो इनलाइन होता है तो इसे हम इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देन बैकग्राउंड इज वाइट एंड कलर एंकर टैग के अंदर का जो कलर है वो ये वाला है, सो कॉपी एंड पेस्ट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब जितनी इसकी हाइट है इतनी इसकी लाइन हाइट भी दे देंगे, लाइन हाइट ताकि वर्टिकली सेंटर मेंटेन करेंगे 45 पिक्सल एंड हॉरिजॉन्टल तो सेंटर के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। देन इसकी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम से जीरो एंड लेफ्ट एंड राइट से अप्रॉक्स 20 पिक्सल देके देखते हैं। सो नाउ रिफ्रेश एंड होवर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमें बटन्स के शेप आने लगे, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 18 पिक्सल। देन इसे सर्कुलर बनाना है तो बॉर्डर रेडियस
50% फ्रॉम ऑल साइड, रिफ्रेश एंड ये देखिए आपके बटन रेडी है। ओके एनी क्लिकेबल भी है। नाउ इन्हें हमें सेंटर में मेंटेन करना है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा चलिए इतना करते हैं। प्रोडक्ट ट्रांस, इसमें हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश, ओके तो बटन सेंटर में भी, इनका टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर है एंड एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। ठीक है एंड इसकी अब पैडिंग दे देते हैं टॉप से, अप्रोक्सीमेट कितनी हमें देना है मेजर कर लेते हैं। यहाँ से मेजर करते हैं इतना, तो इट्स हाइट इज 110 कर देते हैं। तो पैडिंग फ्रॉम टॉप इज 110 पिक्सल। ठीक है एंड इसकी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, तो इससे हमें इसकी हाइट मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाई दे रहा है आप। ठीक है नाउ सर्कुलर बटन ए पर होवर करने पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम चेंज कर देंगे एंड जो मेन कलर है उसे हम चेंज कर देंगे। तो इन्हें हम स्विच कर देंगे अब, लाइक कलर इसका कर देंगे हम FFF एंड जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम कर देंगे ये कलर पिंक। ओके सो हैश प्रेस को सेव एंड रिफ्रेश एंड ओवर करते ही चेंज हो रहा है। ओके नाउ अब आते हैं आगे चलते हैं। स्पेशल लेडीज ड्रेस ये प्रोडक्ट का नाम है। सो HTML में चलते हैं एंड सर्कुलर बटन के बाद है ड्यू क्लास प्रोडक्ट नेम। ओके स्पेशल लेडीज ड्रेसेस नाउ प्रोडक्ट नेम इसे लेकर चलते हैं CSS में। देन डॉट प्रोडक्ट नेम की विड्थ होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ द टोटल विड्थ ऑफ प्रोडक्ट बॉक्स। ठीक है नाउ इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर FFF। ठीक है फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल एंड फॉन्ट फैमिली Myriad Pro, देन मार्जिन अप्रोक्सीमेट 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। चलिए देखते हैं कि आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश एंड इस तरह का आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है ये सेंटर मेंटेन नहीं कर रहा है एंड इसके फॉन्ट साइज भी 16 पिक्सल होने चाहिए। नाउ टेक्स्ट लाइन सेंटर तो हमने दिया है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है क्यों, चलिए देखते हैं। एक्चुअली सिंपल है, हमने प्रोडक्ट नेम में मार्जिन 10 पिक्सल एंड 0 दिया है, तो अभी जो है वो उसकी विड्थ 80% है और वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट है। सो इसे अगर हम लेफ्ट एंड राइट से ऑटो कर दें तो ऑटोमेटिकली सेंटर मेंटेन करने लगेगा लाइक दिस। ओके चलिए आगे देखते हैं।